कराची में मौजूद नॉर्थ वॉक हैदरी पे वाके अभी खुला है, वहाँ पे मैकडॉनल्ड्स है, अब्दुल वजीद खान का अस्सलाम वालेकुम। ये वजी के लिए है, तत्तू भैया के लिए, ये रेहान के लिए, ये मसूद का, और पाशा कह रहा है मैं मेरी उम्र गुजर चुकी है तो आई डोंट नीड टॉय। Assalamualaikum, welcome back to another vlog। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और अभी हो रहा है टाइम रात के 1 बज रहा है और हमें भूख लग रही, तो हमने सोचा कि कहीं जाएं और खाना खाएं। मेरे साथ मौजूद हैं कैप्टन मुनीर, हेलो, फहद, अस्सलाम वालेकुम, वजी और रेहान। हम वहाँ पहुँचते हैं तो फिर हम आपसे बात करते हैं। वजी कराची में मौजूद नॉर्थ वॉक हैदरी पे वाके अभी खुला है, वहाँ पे मैकडॉनल्ड्स है, अब्दुल वजीद खान का अस्सलाम वालेकुम। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं भाई? फाक क्या प्लान्स हैं फिर आगे के? यार प्लान्स अच्छे हैं, पहले आज का प्लान तो निकाल लें। कप्तान है हमारे, कप्तान क्या प्लान है? सर मैं प्लानिंग बहुत है, प्लान्स भी बहुत है। मैं वो आदमी को ढूंढ रहा हूँ जिसने पिछले सारे प्लान्स डिस्ट्रॉय किए हैं। कहाँ है वो? वो किस खोते बेच के सो रहा है। इन शॉर्ट पता है क्या कहना चाह रहे हैं? क्या कहना चाह रहे हैं? फवाद साहब है वो, मैंने इस नाम का आदमी है। उन्होंने कप्तान को कप्तानी का चैलेंज कर दिया था। सही है, तो दरअसल मतलब वो खुद कप्तान बनना चाह रहे हैं और वो उस दिन से गायब है। मार्केट से शॉट चल रहे हैं, बिल्कुल शॉट होता है ना, शॉट बिल्कुल शॉट 3-2-1 पिल्ले वाला शॉट। सही है, वो चल रहा है। कप्तान आपका क्या कहना है इस बारे में? मुझे ना अपनी टीम पे तो तरस आता ही आता है, मुझे इनकी थिंकिंग में भी आता है। ये हालतें देखो, हालतें देखो, बेबस हो गए, बेबस बेबस हुए पड़े बेचारे। शक्ल देखो, शक्ल देखो, वो आदमी मेरी पूरी टीम को सब्ज बाग दिखा के और घर में जो है ना औंधे मुंह होकर लेटा रहता है। ओहो, और नींद में वॉइस में साथ कभी बोलता है, कभी बोलता गाड़ी में हूं आ जाओ, कभी बोलता मेरी प्रियस बाहर खड़ी है, और कभी बोलता फ्लाइट में डिनर कराऊंगा। ओहो, तू पैदल करा दे यार। ओहो, शांत हो जा मेरे बच्चे, शांत हो जा। ओहो जी सलमान पाशा भाई मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे को भूख लग रही है। मेरे को अंडे वाला बर्गर, मेरे को अंडे वाला बर्गर नहीं, आज तो बर्गर है अच्छे वाला, महंगा वाला बर्गर है, बर्गर वाला। उसको क्या हुआ है भाई? 2 बज रहे हैं अभी, सही है? नहीं, दो बज रहे हैं। तो भाई अगर आपने आपको नींद आ रही है उसकी बात हो, आप ना आओ, आपको किसने कहा है कि आप आओ, आप सो जाओ। लेकिन नहीं, खाना तो खाना है। और देखो हालत देखो, एक कहावत है, हफ्ता छोड़ो हफ्ता ना छोड़ो, बड़ा हरामी हो। इसके बाद फिर सही है ना, या नहीं कि कुछ भी सब खा लेते हैं? सब खा लेते हैं। आप भी बोलना चाहते मजा आया कप्तान, इसके बारे में फेमस ही सब खा लेते हैं। सवाल हुआ था ना मुझसे कि आप प्लेयर बनेंगे तो क्या, तो बोला था खाना फ्री। उसके बाद तुमने देख नहीं था तुम पे क्या आया था, ये बढ़िया था गुरु। आप ले ले सब जा चुके हैं भाई, सब जा चुके हैं और सिर्फ हमारे लिए ये मैकडॉनल्ड्स ओपन है। कप्तान यस, ये हमें जो है वो स्पेशल प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। यस माय डियर, प्रोटोकॉल में कोई भी नहीं है, कोई अल्लाह प्रोटोकॉल यही है ना कि खुला हुआ है ना, अभी तक आपको बाहर नहीं निकाला ना, तो यही प्रोटोकॉल है, स्पेशल यही हुआ ना भाई। व्यूअर्स को है कि रमजान क्रिकेट तो खत्म हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन हम चाह रहे अपने व्यूअर्स को कंटिन्यू क्रिकेट दिखाएं, तो हमने ये प्लानिंग की है कि हम हर सैटरडे नाइट क्रिकेट खेलें और कोशिश करेंगे कि हमें जैसे जैसे मौके मिले क्रिकेट खेलें, ताकि वो जो हमारा रिदम बना हुआ है, फ्लो बना हुआ है, वो कंटिन्यू। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। पहले तो बहुत शुक्रिया उनका जो वीडियो देख के पसंद कर रहे हैं और अच्छे पॉजिटिव रिस्पांस दे रहे हैं, तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आप लोगों के लिए इसी तरह एंटरटेनमेंट का ज़रिया बने आगे भी, और इसी तरह आपके लिए एंटरटेनिंग वीडियोस लाते रहें, और साथ साथ क्रिकेट भी चलती रहेगी, वो भी बहुत ज़रूरी है, और ये एंटरटेनमेंट वीडियोज़ भी चलती रहेंगी, खाना पीना भी चलता रहेगा, हम आपको सब दिखाएंगे। समझ रहे हो,
इंशाल्लाह आप जुड़े रहे हमसे। ये बच्ची के लिए है, ये मसूद का, और पाशा कह रहा है मेरी उम्र गुजर चुकी है तो आई डोंट नीड टॉय। ये है हमारे रेहान भाई जो ऑलमोस्ट फूल फाल के बर्गर की तरह हो चुके हैं, और थोड़ी डाइट पे तवज्जो दें आप रेहान भाई, क्या ख्याल है? पहले आप माशाल्लाह मारिया टाइगर्स की टीम के सबसे हैंडसम और फिट लौंडे होते थे, बट क्या बोला, टांग जब से इंजरी हुई ना बॉलिंग करना छोड़ दी। ओह यस, दैट माय इज मेन रीजन। हां बजी, यू हैव से समथिंग, डू नॉट शो योर बिग टीथ। पाशा, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपकी सही डेफिनेशन कर दूं, जो आप इस वक्त मुझे लग रहे हैं ना, ये इस वक्त वो अल्लाह जन्नत सिब करे अमजद साबरी के साथ एक हुआ करता था तालियां बजाने वाला, गजब बेइज्जती है, कव्वाल, ये बिल्कुल वो लग रहा है। और अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो आप इनके बालों के स्टाइल से ओके, और फहद भाई नो नीड टॉक ओनली जस्ट मसूद, पाशा, रेहान, बजी, पहाड़, आई एम नॉट इंक्लूडेड, कैप्टन मुनीर अहमद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो ड्यू डिनर था वो हमें आज कराया। थैंक यू कैप्टन, आज के स्पॉन्सर थे मुनीर भाई, थैंक यू कैप्टन, के लिए तालियां। और हमें उम्मीद है कि आइंदा भी इसी तरह की हमें स्पॉन्सरशिप मिलती रहेगी। तू समझा? हाँ, उम्मीद है आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और इंशाल्लाह आगे भी आपके लिए इसी तरह के ब्लॉग्स हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए करते रहें इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।